हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक और ऐसी बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं, यूआरटीजी 2022 सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि पिछली जो नेक्स्ट फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके अंदर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए किसी कारणवश, या किसी के पास पीसी नहीं था, किसी के पास कार्ड सर्टिफिकेट पुराना था। इनका भी हम एक बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आप वीडियो को पेंशन बना के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे, और ये वीडियो वो जरूर देखे जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, और कुछ लोगों की भी वेटिंग लिस्ट में भी नाम आया है और थर्ड लिस्ट भी अभी आएगी। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड लिस्ट किसकी आएगी सब्जेक्ट की। यहाँ हम बात करते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डेट क्या रहेगी, टू पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब डॉक्यूमेंट्स किन किन की आवश्यकता रहेगी, अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस ओरिजिनल है, कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल पुराना चलेगा, वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है, ऑनलाइन फीस कलेक्शन डेट क्या रहेगी, इन सब के बारे में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये हम सब बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। आप सुनना के लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर जो वीडियो पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे। बात करते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डेट। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डेट रहेगी, ध्यान से देखना, जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर आ चुका है ये उनके लिए है, वेटिंग लिस्ट के लिए भी 30 सितंबर के बाद में पता चलेगा किनका नंबर आएगा, वेटिंग लिस्ट वालों का, थर्ड लिस्ट का। तो हम बात करते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डेट रहेगी 24, 27 और 28 सितंबर। तो 27, 28 सितंबर 2022 की डेट रहेगी। इसमें दो दिन की अवकाश रहेगी, एक तो 25 को तो संडे है और 26 का शायद नवरात्र है, तो इसके लिए दो दिन की इसका अवकाश रहेगा। तो आप ये नहीं समझे कि 24 से 28 तक है, बल्कि 24, 27 और 28 है, और उनमें भी फिक्स टाइम है 11 से 2 बजे का, 11 से 2 बजे का है। अब 11 से 2 बजे का किस जगह आपको जमा करवानी है, जिसका भी डिपार्टमेंट है उसमें, यानी कि मैथ वालों का है तो वो मैथ डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे, जूलॉजी वालों का है तो वो जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर 11 से 2 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट्स क्या करवाएंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। या फिर अब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे या फोटोकॉपी, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट तक। जिस जिस का भी सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट में, वहां जाके आप 11 से 2 बजे तक 24 तारीख 27 तारीख और 28 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। हम बात लेते टू पासपोर्ट साइज फोटो। पहली तो बात रहेगी वो टू पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल फोटो कॉपी। हम बात करते हैं ओरिजिनल होनी चाहिए और फोटो कॉपी, इस फोटो की बात नहीं करें, जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें वो आपके पास ओरिजिनल विथ फोटो कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ आप कम से कम एक उसमें दे रखी, तो आप दो दो फोटो कॉपी साथ लेकर जाए, एक एक उसमें दे रखिए, तो आप दो दो फोटो कॉपी साथ लेकर जाए हर एक डॉक्यूमेंट्स की। टीसी और टीसी की ओरिजिनल चाहिए आपको, या आप कटवा सकते हैं जल्दी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो अदर यूनिवर्सिटी से है, जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से, अगर डिपार्टमेंट से नहीं थे लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी कंप्लीट की है, बीए कंप्लीट किया है, बीकॉम कंप्लीट किया है, उनके लिए तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज है, अदर यूनिवर्सिटी है, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होंगे। जैसे किसी ने एमडीसी से किया होगा, किसी ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से किया होगा, किसी ने भरतपुर यूनिवर्सिटी से किया होगा, किसी ने सिपाड़िया यूनिवर्सिटी से किया होगा, या फिर राजस्थान से बाहर से भी कोई कैंडिडेट हो, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं गैप ईयर। गैप ईयर सर्टिफिकेट, जैसे आपने अगर मतलब बीएससी कर लिया, बीए बीकॉम आपने कर लिया, उसके बाद में आपने एक साल गैप रखा, आपने एक साल कुछ नहीं किया, कोई डिग्री आपने कोई प्राप्त नहीं की, उसके लिए क्या आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, एम की कुछ नहीं है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको, एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एमबीसी वैसी कास्ट सर्टिफिकेट सभी के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा,
EWS वालों के लिए सर्टिफिकेट रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लेकर जाए। OBC और MBC की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट सभी के लिए लागू है, बट हम बात करें OBC और MBC के लिए भी, सभी कास्ट के लिए आप लेकर जाना है, 3 साल से जो पुराना सर्टिफिकेट रहेगा वो वैलिड बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा OBC और MBC में तो। और इसी के साथ इसमें बता रहेगा 1 ईयर यानी कि 1 साल पुराना जो सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास वो ही मान्य रहेगा, 1 साल से ज्यादा पुराना जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं रहेगा। अगर आपके पास 3 साल से पुराना या 1 साल से ज्यादा अगर पुराना अगर आपके पास खास सर्टिफिकेट है तो आपके पास अभी नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट जरूर जमा करवाए, इसी के साथ आप एप्लीकेशन लिख के देना, एप्लीकेशन लिख कर देना और उनको बोलना कि सर हम 5 से 10 दिन में जमा करवा देंगे। एप्लीकेशन लिख कर दोगे तो मान जाएंगे, लेकिन आप ऐसा अगर डॉक्यूमेंट से जमा नहीं कराओगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, जबकि एप्लीकेशन आप जमा कराओगे तो आपका कार्ड सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा और 5 से 10 दिन में अगर आप जमा कराओगे तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर 5 से 10 दिन में आपने जमा नहीं कराया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं ऑनलाइन फीस कलेक्शन डेट, ऑनलाइन फीस कलेक्शन डेट रहेगी वो 29 और 30 सितंबर रहेगी। ऑनलाइन कलेक्शन डेट रहेगी। और बात करें वेटेज सर्टिफिकेट, तो वेटेज सर्टिफिकेट भी आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। क्या हम बात कर लिया हमने, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।